अंदर कुछ जरा सा बुद्धि अगर बची है तो सोच के देखो और अपने बच्चों को इतिहास पढ़ाओ। आरएसएस में मत भेजो, अपने बच्चों के हाथ में लाठी और डंडे नहीं, अपने बच्चों के हाथ में कलम और किताब दो। क्योंकि आपने सुना होगा एक साथी आकर बोली थी कि अपनी छुरियों में धार लगा के छुरियों को तेज कर ले, लेकिन जब आप ही की एक बेटी यानी हिंदू धर्म की बेटी को 8 किलोमीटर तक गाड़ी के जरिए रौंदा जाता है, घसीटा जाता है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर गायब हो जाती हैं, तब शाहरुख खान जैसे लोग आगे आते हैं और डोनेट करने का काम करते हैं। क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर या स्मृति ईरानी या निर्मला सीतारमन या और भी महिला नेताएं किसी उसके घर पे जाकर कोई फंड दिया? बताइए, मुझे बताइए कि पठान नाम से दिक्कत है। एक बात आप मुझे बताइए, फिर तो आप प्रधानमंत्री बदल दीजिए। प्रधानमंत्री का तो किसी ने विरोध नहीं किया, जब प्रधानमंत्री मंच पे खड़े होकर ये बात बोलते हैं कि मैं पठान का बच्चा। शहीद आजम भगत सिंह जो है वो पत्रकारिता किया करते थे, ये बात मैं आपको आज बता देता हूँ। उनके आर्टिकल छपा करते थे और आर्टिकल छपते थे बलवंत सिंह के नाम से। वो पत्रकारिता ऐसा करते थे कि पत्रकारिता के कारण उनको कई पुरस्कार। एक बात मुझे बताइए कि क्या अक्षय कुमार हिंदू धर्म को बदनाम नहीं करते जब उनकी फिल्म आती है? अरे राम, भगत सिंह कौन थे? भगत सिंह महज 5 साल की उम्र का एक बच्चा जिसने अपने दादाजी की, उनके दादाजी फ्रीडम फाइटर, उनके पिताजी फ्रीडम फाइटर, ठीक है, उनके दोनों चाचा फ्रीडम फाइटर। भगत सिंह अपने पिताजी की बंदूक को उठाते हैं जब वो अपने दोस्त मेहता जी के पास बैठे होते हैं और उठाकर उस बंदूक को ले जाके खेत के अंदर दबा देते हैं। कि कौन इस देश में चने बेका करता था और कौन चाय बेका करता था? हाँ। इस पे एक बात कहूंगा कि डूबते होंगे आपके यहाँ पर बिस्कुट में चाय। हाँ। हमारे यहाँ तो चाय में पूरा देश ही डूबता है। आपको ये बात नहीं पता होगी कि गरम दल के सबसे संगीन नेता शहीद आजम भगत सिंह ने एक बात और कही थी कि बंदूकों से और तलवारों से कभी क्रांति नहीं आ सकती, क्रांति आएगी तो विचार का जो मामला है पूरे एक महीने से चल रहा है, आज ट्रेलर भी लॉन्च हो गया है, लेकिन जिस तरह से साधु संत लगातार जो कह रहे हैं कि फिल्म का बाइकॉट करना है, तमाम आम लोग भी उतर गए हैं, सुदर्शन न्यूज के जो पत्रकार हैं वो भी कह रहे हैं कि फिल्म का बाइकॉट करना है। मोहित शर्मा जी से जानते हैं कि मोहित जी किस तरह देख रहे हैं। मोहित जी, पिछले एक महीने से लगातार यही मुद्दा चल रहा है, अब तो तमाम पत्रकार भी उतर गए हैं कि शाहरुख खान का विरोध करना। सर जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि भैया फिल्म का तो ट्रेलर लॉन्च हो गया, लेकिन आपके बच्चे टेलर बन जाएंगे अगर आपने उन्हें पढ़ाया नहीं, तो बायकॉट करने की बजाय उनको आप स्कूल भेजना शुरू करिए, ना कि बायकॉट की गैंग में। दूसरी बात, आज मैं इस चीज को कुछ इस प्रकार से स्पष्ट करता हूँ कि आपको याद होगा एक समय जनरल डायर का, ठीक है ना, और जलियांवाला बाग भी आपको अच्छी तरीके से याद होगा, आपको क्या पूरे देश को याद होगा, 9 अप्रैल रामनवमी का दिन था जब इस देश के हिंदू और मुसलमान एक साथ सड़कों पर उतरे। हिंदू और मुसलमान को एक साथ देखकर जनरल डायर कांप गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने इस देश की, हिंदुस्तान की हुकूमत पे राज ही डिवाइड एंड रूल की नीति से किया था, यानी फूट डालो शासन करो की नीति को अपनाकर किया था। इन्होंने एक साथ देख, यानी हिंदू और मुसलमानों को एक साथ देख, जनरल डायर ने क्या काम किया, जनरल डायर ने गोली चलाने का ऐलान कर दिया जिसमें 1600 राउंड जो है वो तकरीबन फायरिंग करी गई थी और इसमें हिंदू और मुसलमान मारे गए थे। जनरल डायर ने ये इसलिए किया था क्योंकि हिंदू और मुसलमान एक साथ सड़कों पर उतर गए थे। आज की सरकार कुछ ऐसा ही काम कर रही है, आज की सरकार हिंदू और मुसलमान को बांटने में लगी है। सबसे पहली बात, जब सेंसर बोर्ड ने उस सीन को उस फिल्म से काट दिया तो आप अब विरोध और प्रदर्शन किस चीज का कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये कि आप लोग पठान फिल्म का लगातार बायकॉट कर रहे थे, आप कह रहे थे कि भगवा रंग से आपकी भावनाओं को आहत पहुंच रहा है, बिल्कुल सेंसर बोर्ड ने उसे एक्सेप्ट किया और उसके बाद में उस सीन को कट करके आपके सामने रख दिया और अब तो फिल्म आसानी से रिलीज हो जानी चाहिए। नाम ही से दिक्कत है मोहित जी, पठान नाम क्यों रखेगा, हिंदुस्तान में जो हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, पठान नाम क्यों रखा, पठान से दिक्कत है। एक बात आप मुझे बताइए कि पठान नाम से दिक्कत है, एक बात आप मुझे बताइए, फिर तो आप प्रधानमंत्री बदल दीजिए। प्रधानमंत्री का तो किसी ने विरोध नहीं किया, जब प्रधानमंत्री मंच पे खड़े होकर ये बात बोलते हैं कि मैं पठान का बच्चा हूँ, भाई प्रधानमंत्री जी से पूछे कि वो पठान के बच्चे कैसे हैं, ये पूछिए ना आप मुझे, ये बताइए तो प्रधानमंत्री कैसे बोलते हैं कि वो पठान के बच्चे हैं, इस सवाल का आप मुझे जवाब दीजिए। नहीं लेकिन प्रधानमंत्री, लेकिन यहाँ जंतर मंतर पे आप देखे होंगे सुदर्शन न्यूज के पत्रकार जो है वो भी आए थे, बोले पठान का हम विरोध कर रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, आपने कहा कि सुदर्शन चैनल के जो पत्रकार हैं वो भी आए थे। हाँ। क्या आप पत्रकारों को ये काम नहीं है? आज पत्रकारों की तुलना को आज बहुत सारे पत्रकार, खासकर आप जैसे नई उम्र के नौजवान पत्रकार इस चीज को नहीं जानते होंगे और जो और भी पत्रकार है वो भी नहीं जानते होंगे। आपको पता है एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी था जिसने पत्रकारिता करी, नाम बताएंगे आप उनका?
बताइए, आप नॉलेज में आप बताइए ना। नहीं जानते ना आप, बताएं देखिए, नहीं जानते। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा कहा कि आपने इसको एक्सेप्ट किया। आप जैसे बहुत सारे नौजवान पत्रकार हैं जो नहीं जानते कि पत्रकारिता होती क्या है। शहीद आजम भगत सिंह जो है वो पत्रकारिता किया करते थे, ये बात मैं आपको आज बता देता हूँ। उनके आर्टिकल छपा करते थे और आर्टिकल छपते थे बलवंत सिंह के नाम से। वो पत्रकारिता ऐसा करते थे कि पत्रकारिता के कारण उनको कई पुरस्कार भी दिए गए। वो होती थी पत्रकारिता जिसमें फैक्ट पे बात की जाए, जिसमें देश की आजादी को लेकर, देश के लिए और मुल्क के लिए बात की जाए। आज पत्रकारिता में बात किस चीज की होती है? आज पत्रकारिता में बात होती है हिंदू और मुसलमान की। आज पत्रकारिता में बात होती है कि कौन सी फिल्मों को बायकॉट किया जाए और कौन सी फिल्मों को चलने दिया जाए। मोदी जी लेकिन वो कह रहे हैं कि धर्म बचा रहे हैं ना वो सुदर्शन न्यूज वाले। मेरे को आप एक बात मुझे आप ये बताइए कि धर्म कैसे और किस प्रकार से खतरे में आ जा सकता है? जब ये देश आजाद हुआ, जब इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो शायद आपको ना पता हो कि काकोरी कांड के दौरान रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां दोनों एक साथ पकड़े गए थे। अंग्रेजी ऑफिसर ने उनको गिरफ्तार किया था और उसके बाद रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां दोनों को एक साथ फांसी दी गई थी। एक बात आप मुझे बताइए, जिस मुल्क को आजाद कराने के लिए जितना लहू इस देश के अंदर हिंदुओं ने बहाया, उतना ही लहू मुसलमानों ने बहाया, तो इस देश के अंदर कैसे अलग राज्य बन सकता है और कैसे हिंदू मुसलमान के नाम पर लोग बढ़ सकते हैं? मैं ये कहता हूँ कि जितना इस हिंदुस्तान पे, भारत देश की सरजमी पे हक भारत देश के हिंदुओं का है, उतना ही हक भारत देश के मुसलमानों का, भारत देश के सिखों का और भारत देश के ईसाइयों का भी है। वो इसलिए कि जब 1947 यानी देश आजाद हुआ 1947 के अंदर, जिसको इस मुल्क को छोड़ना था वो इस मुल्क को छोड़कर चले गए। उनका इस देश पे कोई हक नहीं बनता और ना ही बनता था। लेकिन हिंदू धर्म को शाहरुख खान बदनाम कर रहा है ना। मेरे को आप एक बात मुझे बताइए कि क्या अक्षय कुमार हिंदू धर्म को बदनाम नहीं करते? जब उनकी फिल्म आती है हरे राम हरे कृष्णा, पहली बात मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपने इस देश में गोदी मीडिया देखी होगी, जिसको सरकारी मीडिया के नाम पे तौर पर सरकारी गोदी मीडिया देखी। उसके बाद अब ये देश में नए आए हैं सरकारी हिंदू, सरकार गई नहीं और ये सरकारी हिंदू गए नहीं, ये सरकारी हिंदू कुछ ऐसे हैं। कट्टर हिंदू कहा जा रहा है। कट्टर हिंदू नहीं, ये सरकारी हिंदू है। सरकारी हिंदू मैं बताता हूँ कैसे। आज से पहले आपने कभी भगवान श्री राम का रुद्र रूप वाली तस्वीर देखी थी? नहीं। कभी आपने हनुमान जी की रुद्र रूप वाली तस्वीर देखी थी? मोहब्बत वाला सारे तस्वीर है। धर्म का अर्थ ही मोहब्बत, धर्म का अर्थ ही प्रेम मान और सम्मान है। ठीक है, इन्होंने भगवान श्री राम की तस्वीर का रुद्र रूप दिखाया, इन्होंने भगवान श्री हनुमान की तस्वीर का रुद्र रूप दिखाया। ठीक है ना, आप एक बात मैं आपको एक चीज बता देता हूँ और ये बात बताना चाहता हूँ शहीद आजम भगत सिंह की। जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पर ले जाया जाता, जब उनको फांसी दी जा रही थी, तो भगत सिंह से एक बात कही गई थी कि आप एक बार भगवान को याद कर सकते हैं, तो भगत सिंह आपको पता है क्या जवाब देते हैं? क्या भगत सिंह का जवाब ये होता है कि अगर आज मैंने सारी उम्र और सारी जिंदगी जो है वो सिर्फ क्या कहते हैं उसको जो ईश्वर नास्तिक, हाँ नास्तिकता में भरोसा रखा, और अगर मैं आज भगवान को याद करूंगा तो लोग कहेंगे कि मौत से मैं डर गया, और अगर भगत सिंह मौत से डर गया तो इस देश के अंदर इंकलाब की चिंगारी नहीं आ सकती। ये लोग अपने बच्चों को भगत सिंह के बारे में तो नहीं पढ़ाते। आज ऊपर बैठे इनके दादा, इनके जो दादाजी जिन्होंने आजादी की लड़ाइयां लड़ी, वो लोग इनके ऊपर देखकर थूकते होंगे और शर्म करते होंगे और कहते होंगे कि हमने भी किनके खातिर और किसके लिए अपनी छाती और सीने पे गोली खा ली। ये तो हम इनको जोड़ के गए, सुनिए सुनिए प्लीज लेट मी कंप्लीट, हम इनको जोड़ के गए और ये लोग हमें वापस से अलग कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर अलग कर रहे हैं। आप जानते हैं भगत सिंह कौन थे? भगत सिंह महज 5 साल की उम्र का एक बच्चा जिसने अपने दादाजी की, उनके दादाजी फ्रीडम फाइटर, उनके पिताजी फ्रीडम फाइटर, ठीक है, उनके दोनों चाचा फ्रीडम फाइटर, भगत सिंह अपने पिताजी की बंदूक को उठाते हैं जब वो अपने दोस्त मेहता जी के पास बैठे होते हैं, और उठाकर उस बंदूक को ले जाके खेत के अंदर दबा देते हैं। तो उनके जो दोस्त है वो मित्र उठ के आते हैं और पूछते हैं भगत सिंह से कि बेटा आपका नाम क्या है? तो बोलते हैं कि मेरा नाम भगत सिंह है। तो बोलते हैं कि आपने बंदूक को इसके अंदर क्यों छिपा दिया खेत के अंदर? तो भगत सिंह का जवाब जानते हैं क्या होता है? एक 5 साल की उम्र के बच्चे का जवाब सुनिएगा और उसके माइंड को यहाँ से सोचिएगा। भगत सिंह बोलते हैं कि मैं बंदूक की खेती करूंगा ताकि मैं अपने देश को आजादी दिला सकूं। मोहित जी तमाम आप बात कर रहे हैं भगत सिंह की, लेकिन आजकल युवा जो है बायकॉट करने में फंसे हुए हैं। देश के युवा धर्म बचाएंगे उसके बाद कुछ होगा। एक बात आप मुझे बताइए, देश है तो धर्म है, जब देश ही नहीं बचेगा तो कहां पर धर्म चलाओगे और कहां हिंदू राष्ट्र
बनाओगे और कहां मंदिर और मस्जिदों में जाके भगवान को पूजोगे। मैं तो आज ये बात मुसलमानों को भी कहना चाहूंगा कि मस्जिद भले ही ना बनाए लेकिन मदरसे और स्कूल जरूर बनाए ताकि अपने बच्चों को बेहतर तालीम और शिक्षा दे सके। वो लोग चने बेचवाएंगे जिहादियों से। अरे भैया एक फिल्म के ना चलने से क्या शाहरुख खान चने बेच देगा? एक बात आप मुझे बताइए, चने तो इस देश के अंदर नौजवान बेच रहा है, चने बेच रहा है और सरकार कहती है पकौड़े भी तले। शर्म तो इन लोगों को आनी चाहिए कि नौजवान आज वाकई में चने बेचने की नौबत पे आ गया और आप चने भी नहीं बेचने दे रहे हैं। आप चने भी नहीं बेचने दे रहे हैं। आप बताइए देश की राजधानी से लेकर महाराष्ट्र तक आप मुझे एक जगह बता दीजिए कि जिसके अंदर आपको कहीं पर अगर आप सड़क पे खड़े होकर अगर चने भी बेचने लग गए ना तो वहाँ पुलिस ऑफिसर आ जाता है। शाहरुख खान से आपको चने बेचवाएंगे? अरे शाहरुख खान से कहाँ चने बिकवाएंगे। ठीक है, सबको पता है कि कौन इस देश में चने बेका करता था और कौन चाय बेका करता था। इस पे एक बात कहूंगा कि डूबते होंगे आपके यहाँ पर बिस्कुट में चाय, हमारे यहाँ तो चाय में पूरा देश ही डूब गया। देश डूब रहा है पूरा चाय में। टेलर जो लॉन्च हुआ टेलर आप देखे मुझे? नहीं देखिये सर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने जो आज आपको ये सब बातें बताई, भगत सिंह के बारे में बताया, सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैंने पढ़ा था, पंडित सुनते हैं मोहित जी, आप क्या चाह रहे फिल्म चले या नहीं? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप एक बात मुझे बताइए, आपसे एक चंद सवाल है, उन चंद सवालों का जवाब मुझे दीजिएगा। एक गाना था थोड़ा सा इधर आकर, मैं कोई गलत नहीं, आप अगर आप कैमरे पे आएंगे तो लोगों को अच्छा भी लगेगा क्योंकि लोग पत्रकारों से समझना चाहते हैं। एक गाना था वाई दिस कोलावेरी कोलावेरी डी, इसका मतलब बताइए क्या था? बताइए आपको पता है क्या मतलब है? नहीं मैं तो नहीं जानता, आप बताइए ना क्या मतलब था? नहीं हमको नहीं मालूम, लेकिन अगर ये गाना बजता है तो सब डांस करते हैं ना? डांस करते हैं। ठीक है, एक गाना था तू तक तूतिया, इस गाने का मतलब क्या है जरा बताइए? बताइए नहीं मालूम है मुझे। एक गाना था तम्मा तम्मा लोगे तम्मा, क्या है इसका मतलब जरा बताइए? सबका मतलब नहीं पता ना आपको, लेकिन सुनते हैं जब गाना बजता है तो लोग डांस करते हैं ना, अच्छा लगता है ना, लोग फिरकने लगते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि गाने जो हैं वो इंटरटेनमेंट के लिए बने हैं, फिल्में जो हैं वो इंटरटेनमेंट के लिए बनी हैं। इस गाने का बोल सुने आप, ये बेशर्म रंग आपने सुना गाने? देखिए उन्होंने बोला ये बेशर्म रंग। एक बात आप मुझे बताइए, इसमें किसी कलर का नाम लिया गया है? उसमें अगर मान लीजिए, अब एक बात, दीपिका पादुकोण ने कई ड्रेसेस को चेंज किया है, अब आप कैसे कह सकते हैं कि दीपिका पादुकोण जो है वो भगवा को ही लेकर कहा जा रहा है फोटो जो वायरल? दूसरी बात मेरी बात तो सुनिए, जब सेंसर बोर्ड ने उस सीन को ही कट कर दिया तो ना रहा बांस और ना बजी बंसुरी, तो फिर काय का हल्ला कर रहे हैं? फिर क्यों कर रहे हैं? जो हल्ला कर रहे युवा वो क्यों कर रहे हैं? वो युवा हल्ला इसलिए कर रहे हैं कि देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, देश महंगाई से जूझ रहा है। और आप एक बात को पढ़ के देखिएगा, जब इस देश के अंदर धर्म की राजनीति होती है तो ये समझ लीजिएगा कि महंगाई इस देश में चरम सीमा पर है। जब महंगाई चरम सीमा पर होती है, देश की आर्थिक स्थिति बर्बाद हो रही होती है, उस समय देश के नौजवानों का और देश के यंगस्टर का दिमाग भटकाने का प्रयास किया जाता है। बजरंग दल वाले तोड़फोड़ कर रहे हैं मोहित जी। तोड़फोड़ करके क्या पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है? तोड़फोड़ करके क्या चाइना का नुकसान हो रहा है? नहीं, तोड़फोड़ करने से भारत देश की संपत्ति का ही नुकसान हो रहा है। और वो भारत देश की संपत्ति तब बनती है जब आप और हम टैक्स देते हैं, तो आप किसी और का नहीं, सिर्फ केवल और केवल अपना ही नुकसान कर रहे हैं। नहीं लेकिन तो जो अगर विरोध जो कर रहे हैं उनका भी तो लॉजिक है मोहित जी, जिस तरह आप समझा रहे हैं तमाम मुद्दों को, भगत सिंह की चर्चा आपने की, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं वो भी तो कह रहे हैं कि हम आस्था से इस देश को पहनते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, कल इनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंची जब तिरंगा जो है वो जमीन पर बना दिया गया था, आपने देखा नहीं था? मध्य प्रदेश में जब तिरंगा बनाया गया है, वो तिरंगा जो है लोग उस पे से निकल भी रहे थे, तो ये शर्मनाक बात नहीं है? तिरंगे में तो केसरिया कलर भी होता है। लेकिन मोदी जी इस विरोध जो है मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, एक बात लोगों को समझनी चाहिए, और जो चमन छाप दलाली छाप पत्रकार वहाँ पहुँच रहे हैं और जो सरकारी हिंदू पहुँच रहे हैं, सरकारी हिंदुओं जरा समझो, अपने दिमाग को खोलो भैया, अपने इस दिमाग के अंदर कुछ जरा सा बुद्धि अगर बची है तो सोच के देखो और अपने बच्चों को इतिहास पढ़ाओ, आरएसएस में मत भेजो, अपने बच्चों के हाथ में लाठी और डंडे नहीं, अपने बच्चों के हाथ में कलम और किताब दो। क्योंकि आपने सुना होगा एक साध्वी आकर बोली थी कि अपनी छुरियों में धार लगा के छुरियों को तेज कर ले, लेकिन जब आप ही की एक बेटी यानी हिंदू धर्म की बेटी को 8 किलोमीटर तक गाड़ी के जरिए रौंदा जाता है, घसीटा जाता है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर गायब हो जाती हैं, तब शाहरुख खान जैसे लोग आगे आते हैं और डोनेट करने का काम करते हैं। क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर या स्मृति ईरानी या निर्मला सीतारमन या और भी महिला नेताएं किसी उसके घर पे जाकर कोई फंड दिया? बताइए क्या सदन में खड़ी होकर स्मृति ईरानी, अभी सदन का सेशन शुरू होने वाला है 2 से 4 दिन बाद, देखूंगा क्या सदन में खड़ी होकर स्मृति ईरानी उस बेटी का मुद्दा उठाएंगी? नहीं, क्योंकि दम नहीं है
क्योंकि नाकामयाबी सरकार की है, सरकार के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर दिल्ली की पुलिस आती है, इसलिए स्मृति ईरानी के अंदर बोलने का दम नहीं है। और यही अगर घटना किसी कांग्रेस शासित राज्य में हो जाती, यही घटना अगर कलकत्ता में ममता बनर्जी के राज में हो जाती या किसी और सरकार के राज में हो जाती या अगर पुलिस अरविंद केजरीवाल के अंडर होती तो अब तक आप भारतीय जनता पार्टी का रोना और धोना देखिए। आपने देखा होगा कि मेयर में कैसे लड़ाई हुई, पहली बार आपने देखा होगा कि कैसे हाथापाई होती है, ऐसे लड़ा भी जाता है। मोहित जी आपको लोग सुनते हैं लेकिन जिस तरह से शाहरुख खान की आप बात कर रहे हैं डोनेट किए तो, लेकिन कहीं टीवी अखबार कहीं आप इसका चर्चा ही नहीं दिखा। शाहरुख खान जब जाते हैं ना, जब शाहरुख खान ऑल ओवर इंडिया के अंदर वर्ल्ड के अंदर जाते हैं, कंट्रीज में जाते हैं, तो लोग शाहरुख खान को तो जानते ही जानते हैं। जब लोग पूछते हैं ना कि भाई ये कहाँ से आया है, तब नाम आता है सारे जहाँ से, अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी मेरे भारत देश का आता है, मेरी कंट्री का आता है, मेरे देश के तिरंगे का आता है। और मैं बड़े गर्व से छाती चौड़ी करके कहता हूँ कि शाहरुख खान भी मेरे देश के हैं और अक्षय कुमार भी मेरे देश के। अगर वो देश का नाम रोशन करते हैं तो वो सभी लोग हमारे देश के हैं। अगर वो इंटरटेनमेंट के माध्यम से ही देश के तिरंगे का नाम रोशन करते हैं, फीफा वर्ल्ड कप के अंदर जब दीपिका पादुकोण को बुलाया गया तो जब लोग पूछ रहे थे कि भैया ये कहां से हैं, लोग ट्विटर पे लिख रहे थे, तो मैंने बड़े गौरव के साथ लिखा और छाती चौड़ी करके लिखा कि जिस महिला के लिए आप ट्विटर पे कमेंट लिख रहे हैं ये महिला कहीं और की नहीं, ये मेरे भारत देश की मिट्टी की महिला है। जब इस देश की महिला के लिए, जब कमला हैरिस के लिए लोग लिखते हैं, तब हम बड़ी छाती चौड़ी करके कहते हैं कि ये भारत देश की मूल निवासी रही है। क्या आपको गर्व नहीं होता कि जब हमारे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन होता है, आपको गर्व करना चाहिए कि आपने उस मिट्टी से जन्म लिया, आपने उस धरती से जन्म लिया, जो धरती आपको वसुधैव कुटुंबकम सिखाती है। वसुधैव कुटुंबकम, जानते हैं आपको ये नारा किसने दिया था, पता है आपको किसने दिया था? वसुधैव कुटुंबकम का नारा आज तक इन्हें नहीं पता होगा। ये सारे के सारे लोग, क्योंकि भाजपा का इतिहास पढ़ते हैं, अपने बच्चों का इतिहास पढ़ाते ही नहीं है। ये वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने वाला कोई और नहीं, शहीद आजम भगत सिंह थे। भगत सिंह ने वसुधैव कुटुंबकम, और पूरा देश यही जानता होगा भगत सिंह के बारे में कि भगत सिंह एक गरम दल के नेता थे। जब देश की राजनीति की बात आती है, देश के स्वतंत्रता संग्राम की बात आती है, तो लोग दो ही बात कहते हैं कि दो ही दल के नेता थे, पहले गरम दल, दूसरे नरम दल, यही आती है ना बात। लेकिन आपको ये बात नहीं पता होगी कि गरम दल के सबसे संगीन नेता शहीद आजम भगत सिंह ने एक बात और कही थी कि बंदूकों से और तलवारों से कभी क्रांति नहीं आ सकती, क्रांति आएगी तो विचारों से, और विचारों की क्रांति सर्वोपरि है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर आप अपने विचारों को नहीं बदलेंगे तो ये मुल्क वापस से गुलाम होगा और इस मुल्क की आजादी के लिए कोई भगत सिंह दोबारा नहीं। आखिरी सवाल लेंगे, आप युवा हैं, सब फिल्में आप देखते भी होंगे, तमाम जो बायकॉट हो रहा, आप क्या कहना चाहेंगे? थिएटर में फिल्म आने वाली है, आप जाएंगे फिल्म देखने? अब बहुत सारे लोगों का इसमें एक सवाल ये भी होता है कि मोहित शर्मा जो मेरे को, जो हमारे से नाराज भी है, मैं उनको अपना भाई मानता हूँ, सब मुल्क में रहते हैं, भाई हैं अपने, भले ही उनको नहीं समझ में आता, उनके दिमाग में गोबर भर गया, गोबर बहुत बेहतरीन चीज है, गोबर अगर भैया खेत में पड़ता है तो खाद का काम करता है, गोबर चूल्हे में पड़ता है ईंधन का काम करता है, दिमाग में पड़ता है तो अंधभक्त बनाने का काम करता है, तो क्या कर सकते हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि उन गोबर को उनके दिमाग से निकाला जाए। तो वो सवाल मेरे से ये करते हैं, कहते हैं कि मोहित शर्मा अपनी बहन के साथ जाएगा फिल्म देखने। मैं पूछता हूँ कि जब मनोज तिवारी का गाना आया था तो आप अपनी बहन के साथ देखने गए थे, जब कुमार की फिल्म आई थी तो अपनी बहन के साथ देखने गए थे, जब कबीर सिंह जैसी फिल्म आई थी तो आप अपनी बहन या अपनी मम्मी के साथ देखने गए थे? जरा बताइए ना, जब हेट स्टोरी जैसी फिल्म आती है तो आप अपनी बहन के साथ, अपनी मम्मी के साथ, अपनी चाची या ताई के साथ देखने गए थे? जरा दीजिए सवाल का जवाब। तो ये सब एक बेतुका बयान है। फिल्में आती है एंटरटेनमेंट के लिए, मूवीज आती है एंटरटेनमेंट के लिए, सॉन्ग आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, तो आप एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट के नजरिए से जा रहे हैं, अगर चले जाएंगे तो कोई आपत्ति है? ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। शुक्रिया।